फार्मा वारियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसी के बारे में, जो ऑफिशियल गैजेट में कुछ नोटिफिकेशन पास हुआ है। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं ऑफिशियल गैजेट में, सब कुछ बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आप फार्मा हाउस चैनल में नहीं आई हो तो चिरू फार्मा हाउस चैनल का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फार्मा हाउस का मेंबर होना नहीं भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है रेगुलर बेसिस जॉब अपडेट, रेगुलर बेसिस नोटिफिकेशन और साथ ही साथ करियर गाइडेंस। तो सब कुछ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में पाने के लिए फार्मा हाउस चैनल को जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते आ जाते हैं ऑफिशियल गैजेट पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकलने वाली इस ऑफिशियल गैजेट में क्या कुछ पब्लिश हुआ है एंड क्या कुछ न्यू आने वाला है, सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसके लिए आपको चले जाना पड़ेगा ई गैजेट का ऑफिशियल जो वेबसाइट है egadget.government.in, उसमें एंड वहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को देखने को मिलेगा। एंड अभी यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं एंड वहाँ से आपके साथ शेयर करने वाले यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है एंड इसका नंबर। आप इस नंबर को जज करके आप ई गैजेट के ऑफिशियल वेबसाइट के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट को पढ़ के ही तो इस नोटिफिकेशन जो है वो किस काम के लिए बने हैं एंड यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस आने वाला है, कौन सा डिपार्टमेंट से इशू किया गया है, सब यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्रग कंट्रोल एंड डिपार्टमेंट्स, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो रूल्स है वो चेंजेस किया गया है 2024, जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो चुका है। एंड इस ऑफिशियल गैजेट का पब्लिश करने का यही मतलब है, क्योंकि नया जो रूल्स आया है वो देखने के बाद। तो चलिए आ जाते हैं मेन पार्ट पर एंड यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं यहाँ पर जो पोस्ट है वो डार्क इंस्पेक्टर का पोस्ट, जो कि अपकमिंग 2024 के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 46 है। ये पूरा वैकेंसी का डिटेल्स नहीं है, मतलब यह 46 ही वैकेंसी आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, बट 46 यहाँ पर स्ट्रेंथ है, 46 का वैकेंसी लिया जा सकता है। एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेट ग्रुप बी के अंदर आता है, यहाँ पर जो पे स्केल होता है वो लेवल 8 का होता है, मतलब 47,600 बेसिक पे से शुरू होके 1,51,100 तक आपका सैलरी हो सकता है। यहाँ पर जो आपका एज लिमिट चाहिए होगा वो 30 ईयर्स के अंदर ही होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने पर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट यहाँ पर एस सी एस टी ओ बी सी का जो एज रिडक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिस तरह का क्राइटेरिया रहता है उस तरह के क्राइटेरिया के साथ साथ। तो यहाँ पर देखने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, तो उसके लिए आपको डिग्री इन फार्मेसी मतलब बी फार्मा होना बहुत जरूरी है, साथ साथ फार्मली भी चलेगा इसमें। तो एंड क्वालिफिकेशन इन स्टैंडर्ड नोट पर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर रिलैक्सेबल इन द डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, मतलब आपको वेल क्वालिफाइड होना है एंड साथ साथ आपका जो मतलब जिस यूनिवर्सिटी से हम करेंगे व जिस कॉलेज से करेंगे वो रिनाउंड होना चाहिए, पीसीआई अप्रूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेजर चेंजेस यहाँ पर आया है वो है आपका यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसके पहले आपका सिर्फ डिग्री के साथ साथ कोई भी इंडस्ट्रियल लेवल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ता था, कोई भी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट होना पड़ता था, बट यहाँ पर आपको कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, जो कि 2024 से किया गया है। एंड अभी से हर एक फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है एंड यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा चेंजेस माना जाता है 2024 में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी लेके, एंड जो कि हर एक फार्मासिस्ट का एक ड्रीम जॉब माना जाता है। तो शुरू कर दीजिए हर एक फार्मासिस्ट एक ड्रीम जॉब पाने के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसी के लिए, जो कि लगभग बहुत जल्दी आने वाला है एज़ पर ऑफिशियल गैजेट एंड एज़ पर नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो जरूर फार्मा हाउस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फार्मा हाउस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन डिटेल्स का डायरेक्ट लाभ आप उठा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना था कि आशा करते आप आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग कैरियर गाइडेंस पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा वर्ड्स, फार्मा वर्ड के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।